हेलो फ्रेंड्स, मैं महावीर प्रसाद ज्ञान की गंगा में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में छिपे बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मीन राशि वालों के लिए वर्ष 2018 कैसा जाएगा और इनका भविष्य या जो राशिफल है वह कैसा रहेगा, चाहे वह पारिवारिक जीवन हो या व्यापार जीवन हो या विद्यार्थी जीवन हो या उनका प्यार जीवन हो, इन सभी के बारे में एकदम सटीक जानकारी आपको मिलेगी इस वीडियो में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। परिवार जीवन, इस साल शुक्र राशि बदलकर आपकी राशि से सातवें भाव में भ्रमण करेगा जो आपके लिए उचित नहीं दिख रहा है। जीवन साथी से झगड़े की संभावना बढ़ सकती है। वैवाहिक जीवन में दुख के योग बन रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण आपकी कुसंगति है। प्यार जीवन, जीवन साथी की तबीयत बिगड़ सकती है। सगे संबंधियों तथा परिवार के सदस्यों के साथ प्रेम के संबंध में तनाव होने की उम्मीद है। प्यार होने की संभावना प्रबल है। अगर अभी तक आप अकेले हैं तो जीवन में दूसरा कोई आ रहा है, उसका स्वागत जरूर कीजिए। व्यापार, विरासत की संपत्ति और आकस्मिक धन लाभ होने का प्रबल योग है। आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार की संभावना है। ज्यादातर 9-10 तारीख के दिन धन की प्राप्ति होगी। मन प्रसन्न रहेगा, शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकेंगे। अपना काम खुद करें, आपको धन का लाभ बढ़ जाएगा। विद्यार्थी जीवन, इस साल मंगल भी राशि बदलकर आपकी राशि से सातवें भाव में प्रवेश करेगा जो आपको शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान कर सकता है। मस्तिष्क और आँखों में तकलीफ हो सकती है, आपको थोड़ा सब्र रखने की ज़रूरत है। जुलाई से आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। इसी माह में बुध राशि बदलकर आपकी राशि से आठवें घर में आएगा जो शुभ फलदायी है। यह विद्या में आपकी रुचि को बढ़ाएगा। मीन राशि के लिए शुभ अंक 1 है तथा शुभ रंग सफ़ेद है। तो आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और आपका कोई भी सुझाव हो या आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।